खतरनाक स्टंट हो रहे हो रे। हे गाइस, आज मेरा मन कर रहा है पूरे भोपाल घूमने का, तो मेरे पास है ये गाड़ी है। आज सुबह सुबह निकले अपने गाड़ी से घूमने के लिए। ओ, भोपाल के लिए निकल रहे हम लोग भोपाल घूमने के लिए सुबह सुबह। और देखिए मौसम बड़ा ही ताजा ताजा है, बाइक से घूमने का मजा ही कुछ और। और अर्षद, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत अच्छा है भोपाल। और साहिल? बहुत मजा आ रहा है। ये इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं और अपनी गाड़ी चल रही है कम से कम 70 की स्पीड में चल रही है। और अपने भाई ने स्टंट करते, थोड़ा देर के बाद आपकी स्टंट दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये अब हम लोग भोपाल का सबसे खूबसूरत जगह जा रहे हैं, लेक व्यू। वाह, क्या गजब का रोड है यार, मक्खन की तरह। इसमें तो लग रहा है कि रोटी सब्जी सान के खा लेंगे। ये है जी, हम लोग पहुंच गए स्टंट वाले एरिया पे। अब मेरा भाई अरशद स्टंट दिखाने वाला है आप लोगों को। और देखिए वो आ रहा है, वो आ रहा आ रहा एक सुन एक सुन आ रहा आ रहा आ रहा दिखा रहे दिखा रहे खतरनाक स्टंट हो रहे। और यार अब तो स्टंट भी हो गया, सनराइज भी हो गया, थोड़ा गर्मी लगने लगा। कुछ करे क्या? जैकेट उतारना है। चलो यार, इसमें तो अपन आ गए हैं, जैकेट उतारने आ जाओ। फिर जैकेट उतार कर अब भोपाल घूमते हम लोग। ये अच्छा, भोपाल में घूमने लायक और क्या है? चले, कितना दूर है यहाँ से राजा भोज? राजा भोज यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। अच्छा, वही स्टैचू ना? हाँ, वही स्टैचू जो पहले मतलब झीलों के बीच में है। हाँ, और बहुत फेमस, अब दूर दूर से लोग देखने आते उस स्टैचू को। वही वाला ना? वही वाला। चलो फिर चलते, देरी किस बात की है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं राजा भोज की स्टैचू की तरफ से। वाह 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 ब्ला, लटक जाऊं क्या जाके ट्रेन में? लटक जाऊं। ये भोपाल, जो पहले ये भोपाल का नाम भोजताल था, लेकिन अब वो भोपाल हो गया, इसलिए इसको बोलते भोपाल जंक्शन। और बाकी चीजें भोपाल में बहुत सारी चीजें हैं, लेक भी हो गया, भारत भवन हो गया, म्यूजियम है और सैर सपाटा है। अरे बहुत बड़ा यहाँ पे क्या था, अरे उधर क्या है उसको जो बोलते हैं, नहीं 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 उधर जो है अपने सैर सपाटा के पास। अच्छा, वो जू, जू, क्या नाम उसका? वन विहार। अरे हाँ, उसका नाम वन विहार। उसमें जानवर ऐसे ऐसे खूंखार खूंखार भरे हुए, वो तो बाद में जाएंगे, अभी टाइम नहीं ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा कम घूमना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं और भी हमको जाना भी, ठीक ना? तो अभी आगे का चीज आपको हम दिखाते हैं थोड़ा देर में, आगे चलते हैं। यो यो यार, अब हम बोटिंग एरिया में जा रहे थे। अब हाँ यार, अच्छा लग रहे हैं थोड़ा सा। और ये बोटिंग एरिया बड़ा खाली खाली लग रहा है, लेकिन अभी चालू हुआ नहीं है। तो अगर कभी आप भोपाल आए ना, तो एक बार बोटिंग जरूर कीजिएगा, बहुत ही मजा आता है। ये जो है ना जगह, वो बड़ा वाला बोट दिखना, वो क्रूज, ज्यादा महंगा नहीं, सस्ता, लेकिन बहुत ही मजेदार है। एक बार देख लीजिएगा आप, ये सीन कुछ इस तरीके से है। और ये कुछ लोग गिटार बजा रहे हैं, थोड़ा चल के मस्ती करें क्या? गिटार बजा रहा है, चलते हैं उसके पास थोड़ा।
भाई कोई अच्छा सा गाना सुनाओ ना। मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर से मेरा ही मजा आ गया। हाँ यार बहुत अच्छा बजाते हो और गाते भी हो यार। क्या नाम है? जतिन। जतिन ये लड़का बहुत आगे तक जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छा गाते हैं और आप भी साथ में गाएं, अपनों को बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ के भोपाल के चीज मतलब इतना खूबसूरत चीज था, मुझे पता ही नहीं था कि भोपाल आने के बाद मतलब मुझे ये चीज भी मिल सकता है। और आगे देखते हो पता नहीं और आगे आगे क्या मुझे मिलने वाला है। ऐसा सा सरप्राइज भोपाल में रखा हुआ है ना कि क्या बताया आपको। और आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है। बोटिंग तो देख लिया, यहाँ पर तो मुझे गाना सुनने को भी मिल गया यार फ्री में यार। ये चलने लगे हैं। अच्छा मेरे हेयर स्टाइल तो अच्छा है ना, अगर अच्छा लगे तो पक्का कमेंट करना यार। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करे वो ना, तो क्या ना कि अगली बार कुछ अलग हेयर स्टाइल लेकर आएंगे और हर बार अलग अलग हेयर स्टाइल लेकर आएंगे, फिर आप लोग देख के उसको लगाते रहना। भाग भाग के यार सांस फूलने लगा है। अरे मेरे साथ वाले कहाँ गए? भाग गए क्या छोड़ के हमको? अब धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि कुछ नया चीज मिल जाए देखने के लिए। ये तो झीले झील चल रहा है, ये नजारा ही कुछ अलग ही दिख रहा है। बड़ा ही खूबसूरत नजारा है यहाँ पे। अरे यार ये क्या चीज है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है। मिलिट्री टैंक है, दिखाते भी आपको। ये ओ ये बड़ा ही शानदार चीज है क्योंकि इसको पूरा दिख। ये एक टैंक है 36 टन का, 105 एमएम मेन गन, वाह वाह वाह, 18 एमएम का रेंज है मेन गन, क्रू 4। अब इसको देखते क्या, अरे वाह तो बड़ा ही शानदार चीज है। ओहो हो ये कितना लंबा गया, कहाँ कहाँ, अरे यहाँ तक है। ये चीज बड़ा ही प्यारा टैंक है यार, कुछ वाह। काश इस टैंक के अंदर हम रोते हैं गोली छोड़ते हैं तो एक एक दुश्मन को मार भगाते हैं हम। छू के देखते हैं थोड़ा कैसा लग रहा है। बड़ा मोटा है, छूने में बड़ा मजा आ रहा है। अरे 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 ये पिछला सीन तो बड़ा मस्त लग रहा है। एक नंबर जगह यार, भोपाल का दिल खुश हो गया। यहाँ तो सीन क्या, रोड भी लग रहा है, मस्त भी लग रहा है। ये टैंक तो आप लोगों को देख ही लिया, अब आगे चलते हैं, आगे क्या देखने को मिलता है। आगे चल रहे हो। यो यो ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। क्या है क्या है, ओ ये भागो भागो, तू भाग मिलखा, तू भाग मिलखा। भूख लग रहा है यार, कुछ खाने को मिल जाएगा। भाई खाने में क्या क्या है? ये चना चूर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि छुट्टा मिल जाएगा 500 है मेरे पास, है छुट्टा नहीं मिलेगा है। लेना कितना को है? ज्यादा नहीं, 10 रुपए का खाएंगे। हाँ तो अभी चना चूर खा रहे हैं, अभी हम बन रहा है, देखते हैं खाने के बाद इसका टेस्ट कैसा आता है, बता देते हैं। किस्मत अच्छा था कि 10 का नोट निकल गया, नहीं तो उनके पास छुट्टा नहीं था, क्योंकि पॉकेट में से 500 के भरे हुए हैं। थोड़ा हल्का डालना भैया, ठीक है ना, चटपटा बनाइए तो एकदम कि चाटते रह जाएगा। हाँ भाई घूमने के लिए सब कुछ है। क्या क्या है जैसे? यहाँ कमला पार्क है, तो अच्छा कमला पार्क है और बोट क्लब है। अच्छा बोट क्लब, बोट क्लब में तो खड़े हैं, खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। हाँ लकड़ी में तोड़ लिया, बांस वांस तो लाए नहीं, बांस नहीं है ना, वो लकड़ी है सामने वाली, यमीन वो सामने वाली है ना, वो सूखा पे है ना, मसाला ज्यादा नहीं, नहीं तो टेस्टी है, कोई बात नहीं। भाई एक नंबर है,
सॉलिड बना है। हाँ भाई अच्छा है। ना अगर आप लोग कभी भोपाल आए तो चनाचूर जरूर खाए कर जाइए एक बार, बहुत टेस्टी बनता है। अगर कोई आया वीडियो देखकर अगर कोई भोपाल आए तो उसको थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिएगा, खुला अगले बार से 500 का रखा कीजिएगा। यहाँ से कुछ जानकारी मिल चुका है हमको कि आगे क्या क्या है, तो हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे खाते खाते। बैठ के खाने का मजा ही कुछ और है। परफॉर्मेंस यहाँ पे होता है वो चीज आपको दिखाते हुए, अंदर तो जाएंगे नहीं लेकिन थोड़ा सा बाहर बाहर आपको व्यूज दिखाते हुए चलेंगे। ये देखिए बड़ा खूबसूरत जगह है, ये जो सीन है तो वहां पे पुल नजर आ रहा, थोड़ा देर के बाद हम उस ब्रिज पे भी जाने वाले हैं। एक नया ब्रिज बनाया आपने सेतु, बहुत ही प्यारा पुल है, बहुत ही बहुत ज्यादा थोड़ा टाइम लग गया लेकिन अच्छा चीज बना है। हावड़ा ब्रिज वाली फीलिंग आ रही है भाई, किसी पुल से गुजरती है मैं किसी रेत सा। भोपाल ना मेरे दिल को छू गया यार, मतलब इतना शांति, इतना प्यारा जगह है। पॉल्यूशन तो यहाँ है नहीं लेकिन बहुत तो क्या बोलते हैं जैसे शांति, सुकून वाला जगह है, सुकून यहाँ जैसा ना कहीं नहीं इंडिया में। ऐसे जिसके बोलते हैं मध्य प्रदेश है ना इंडिया का दिल है, मध्य प्रदेश है हार्ट ऑफ इंडिया। ठंडे लग गए ये पुराने, ये जो है ना ये पुराना किला ही है, ये सब के लिए राजा महाराजाओं के टाइप के उस टाइम के। अब हम लोग आ गए वीआईपी रोड पे, आ गई मूर्ति आ गई राजा घोष की मूर्ति आ गई। अब देखते थोड़ा सा राजा घोष का मूर्ति में क्या है। ये राजा घोष का मूर्ति, ये यहाँ से पूरा पानी है, अरे बहुत ही गहरा है, बहुत ज्यादा ही गहरा है। ये राजा भोज का मूर्ति है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मूर्ति। यहाँ से धूप के कारण होता है रिफ्लेक्ट हो तो पूरा नहीं देखा पा रहे आप। राजा भोज का हिस्ट्री है पूरा, क्या क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ पूरा, थोड़ा गंदा कर दिया है लेकिन कोई बात नहीं है, अच्छा चीज है। ये मूर्ति है, बड़ा ही विशाल मूर्ति है, थोड़ा सा लाइट के कारण थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन बहुत ही प्यारा जगह है। ये वो पुल है जो दिखता है, वो हम लोग चढ़ के आए थे। ये राजा भोज का मूर्ति तो हम देख लिए, आप भी देख लिए, अब आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ी की रफ्तार तूफान जैसी आगे बढ़ रही है। यो यार यहाँ का ट्रैफिक सिग्नल तो बड़ा अच्छा है यार, यहाँ पे सब लोग नियम का पालन करते हैं। इधर ये ट्रैफिक सिग्नल मेरे पीछे इतने सारे भीड़ खड़ी हुई है, सब लोग नियम का ट्रैफिक नियमों को पालन करें और अच्छे से चले। अगर आपको भोपाल अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, फिर अगली बार किसी और जगह जाएंगे वहाँ का आपको वीडियो देखना। हाँ सब्सक्राइब कर देना यार।